नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम जानेंगे बायोलॉजी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आपका यहाँ पर नाम है PCR। जी हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बायोलॉजी में यानी कि क्लास ट्वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, क्या होता है PCR। इसका देखिए फुल फॉर्म होता है PCR, मतलब पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है बोर्ड एग्जाम में कभी कभी, और कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने की थी और इसका कार्य क्या होता है, मतलब कहां पर ये वर्क करता है। पूरा अच्छे तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, तो बस इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और इससे रिलेटेड आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर PCR मतलब पॉलीमरेज, तो इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, आपको समझने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो पॉली मतलब एक से अधिक, ये क्या होता है, देखिए डीएनए को बहुत से कॉपी तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब डीएनए तो आप जानते हैं, डीएनए मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, तो डीएनए की एक से अधिक प्रतियाँ या एक से अधिक कॉपी तैयार करने के लिए यहाँ पर इसका यूज होता है। एक मतलब एक सिंगल डीएनए से बहुत सारे डीएनए की कॉपी तैयार की जाती हैं, ये होता है PCR का कार्य। आप तो इतना मतलब कार्य समझ गए ना, अब कैसे कार्य करता है, कैसे इसकी कॉपी तैयार की जाती है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पॉली मतलब एक से अधिक और मरेज मतलब बनना, तो एक से अधिक कॉपी बनना, चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युतकरण संचलन, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। अब यहाँ पर बात करें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके द्वारा अलग किए गए जीन व डीएनए खंड को PCR विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियाँ तैयार की जा सकती हैं। देखिए बहुत ही सिंपल भाषा मैंने लिखा, मतलब एकदम सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं सोचना। आपसे कोई पूछे कि डीएनए मतलब सॉरी PCR का क्या कार्य है, PCR क्या करता है, तो ये एक मतलब डीएनए सिंगल डीएनए से बहुत सारी उसकी कॉपियाँ प्रतिलिपियाँ तैयार कर देता है, और किस विधि से, इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि वैद्युतकरण संचलन विधि द्वारा अनेक प्रकार के जीन व डीएनए खंडों को PCR विधि से बड़े कम समय में उसकी प्रतिलिपियां हम तैयार कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहां पर PCR जो कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है, इसकी खोज किसने की थी। तो PCR की खोज 1985 में किसने की थी, कैरी मुलिस ने। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बनता है, ठीक है ना, हमेशा पूछा जाता है कि PCR की खोज किसने की थी, तो कैरी मुलिस ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर ये मतलब PCR में जो आपका ये प्रोसेस होता है ये किस मशीन में होता है, तो आखिरकार इसका नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है। तो PCR की मशीन का नाम यहाँ पर क्या है, थर्मासाइक्लर, क्या है, थर्मासाइक्लर। तो याद कर लीजिएगा, खोजकर्ता यहाँ पर इसके मतलब कैरी मुलिस हैं, और कब किया गया था, तो 1985 में। अब काफ़ी मान लीजिए बुक्स होती हैं अलग अलग, थोड़ा सा प्रकाशन हो जाता है, लेकिन आप 1985 ही मानकर चलिए, और इसकी मशीन आपका थर्मासाइक्लर है। ठीक है ना, अब इसकी इस विधि के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं, देखिए पूरा समझेंगे तो तभी आपको पूरा अच्छे तरीके समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहना आपको। अब बात करते हैं PCR विधि के लिए आवश्यक उपकरण, देखिए यहां पर सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो आपका यहां पर लगेगा डीएनए टेम्पलेट, यानी कि जिस डीएनए का आप लोग कॉपी तैयार करना चाहते हैं वो आपका डीएनए टेम्पलेट इसमें यूज में आएगा। इसके बाद दूसरा इसका जो आपका प्रोसेस होगा वो होता है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आवश्यक उपकरण न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपका यहां पर होगा प्राइमर, और फोर्थ आपका होगा डीएनए पॉलीमरेज। तो ये चार जो है इसमें उपकरण आवश्यक उपकरण है जो कि इसके यूज में आते हैं। अब इसके बाद यहां पर क्या आता है, जो PCR है ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये तीन चरणों में कंप्लीट होती है, यानी कि थ्री स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, समझ रहे ना, कितने स्टेप में, तीन स्टेप में। अब पहला जो इसका स्टेप है यहां पर बहुत ही ध्यान समझिएगा, पहला स्टेप बोलते हैं इसको विकृतीकरण, क्या बोलते हैं, विकृतीकरण। ठीक है ना, तो विकृतीकरण में देखिए क्या होता है, इसमें 20 या 30 न्यूक्लियोटाइड, जो हमने उपकरण की बात करी थी यहां पर ना, ये देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, यही उपकरण यहां पर क्या करते हैं, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बने संश्लेषित प्राइमर को बड़ी मात्रा में PCR में डालते हैं, और इसमें उस जीन को डालते हैं जिसका प्रवर्धन करना होता है, मतलब जिसकी कॉपियां तैयार करनी होती है। ठीक है ना, और इस मिश्रण को 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे जीन या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है विकृतीकरण, मतलब अलग करना। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप यहां से कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप में बात करें, दूसरा स्टेप देखिए क्या होता है,
तो सेकेंड स्टेप को बोलते हैं पुनर्विकृतीकरण, ठीक है ना। पुनर्विकृतीकरण में देखिए क्या होता है, तो विकृतीकरण के पश्चात प्राप्त मिश्रण, जो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, विकृतीकरण करने के बाद जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, पुनर्विकृतीकरण में हम लोग यहां पर डालते हैं। कैसे, तो विकृतीकरण के पश्चात प्राप्त मिश्रण को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, और जिसके फलस्वरूप यानी कि जिसके बाद डीएनए सूत्रों के सिरों दोनों सिरों के पूरक क्षेत्रों से प्राइमर जुड़ जाते हैं। मतलब डीएनए सूत्रों के जो दोनों सिरे होते हैं इनमें पूरक क्षेत्रों पर क्या जुड़ जाते हैं, प्राइमर जुड़ जाते हैं। यानी कि जो हमारा हमने न्यूक्लियोटाइड लिया और इसमें फिर अगला जो हमारा स्टेप है प्राइमर, ये हमारा इसमें जुड़ जाता है, ठीक है ना। आप देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहीं से आपका लास्ट है और इतना ही आपको करना है। तो तीसरा स्टेप यहां पर देख सकते हैं, प्राइमर का विस्तार या संश्लेषण। संश्लेषण मतलब समझ रहे हैं, कोई एक से अधिक जो है चीजें उसमें चिपक जाए, संश्लेषित हो जाए या विस्तार उसका हो जाए, मतलब पढ़ जाए, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्राइमर के 3 हाइड्रोक्सिल सिरे से डीएनए का संश्लेषण प्रारंभ होता है। प्राइमर की सहायता से डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए का प्रथम चक्र पूर्ण कर लेता है, और इस प्रकार 30 से 35 चक्र में डीएनए की असंख्य प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाती हैं। और यही हमें करना था, डीएनए की काफी सारी कॉपियां हमें इसमें प्राप्त हो जाती हैं या तैयार हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतना आपको 3 स्टेप याद रखना है, और बाकी का जो मेन पॉइंट है आपका, इसके वैज्ञानिक कौन है, इसकी मशीन का क्या नाम है और ये कहां पर यूज होता है, सारी चीजों को आपने समझ लिया। तो यार उम्मीद करेंगे वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर इसी प्रकार से आपको टॉपिक पढ़ना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर टॉपिक वाइज आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करी जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।